नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस समय ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये आरपीएससी से एक बड़ी खबर है। और संस्कृत डिपार्टमेंट के जो अभी हाल ही में पेपर हुए हैं फरवरी में, उनसे लेकर खबर है कि आरपीएससी ने संस्कृत डिपार्टमेंट को लेकर के क्या कहा है, तो उसके बारे में जो है हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। कौन कौन सी आंसर की आई है और जो संस्कृत से संबंधित आंसर की है वो कब तक आएगी, और अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनसे संबंधित कौन कौन सी आंसर की आ चुकी है और कौन कौन सी आंसर की आनी बाकी है, तो उसके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। और आरपीएससी सचिव ने क्या कहा है उसके बारे में भी हम बात करें करने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि शिक्षा और रोज़गार से संबंधित जितने भी जो वीडियो हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल का हिस्सा बने, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले जो वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम चर्चा करते हैं कि आज की पूरी खबर क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित ये उन्होंने ये प्रेस नोट जारी किया है 8 अप्रैल 2019 को, तो इसमें ये लिखा गया है कि आयोग द्वारा 17 फरवरी 2019 से 20 फरवरी 2019 तक आयोजित वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के ग्रुप ए, जिसमें जीके जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र था वो 17 फरवरी 2019 और इसके साथ ऐच्छिक विषय सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी अभ्यर्थी को इन उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 10 अप्रैल 2019 से 12 अप्रैल 2019 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मास्टर प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। इस अब जो ग्रुप ए के प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं आपत्ति प्रमाणिक और पुस्तकों के साथ सहित, यानी कि आपको प्रमाणिक जो है उसको प्रमाण पत्र प्रमाण देना होगा, वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की उपस्थिति में उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ जो उन्होंने शुल्क बताया वो 100 रुपये का निर्धारित शुल्क बताया है। रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक क्वेश्चन पर क्लिक कर आपत्तियाँ दर्ज कराकर प्रति प्रश्न पर 100 रुपये, यानी प्रत्येक प्रश्न पर 100 रुपये जो है शुल्क रहेगा। जैसे आप एक सवाल पे आपत्ति लगाते हैं तो 100 रुपये, जितने सवाल उतने 100 रुपये, जो जैसे 5 आपत्तियां लगाते हैं तो 500 रुपये का भुगतान कर स्थायी रूप से दर्ज कर सकते हैं। आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। और इसके बाद ये बताया गया है कि 10 अप्रैल 2019 से दिनांक 12 अप्रैल 2019 को रात्रि 12 बजे तक ही उपलब्ध है, इसके पश्चात जो लिंक है वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजी आपत्तियां स्वीकार नहीं होगी, आपत्तियां केवल एक ही बार ली जाएगी। उप सचिव सुरेश को चंद्र शर्मा। तो दोस्तों, ये आरपीएससी के द्वारा प्रेस जारी किया गया प्रेस नोट था। इसके साथ मैं आपसे केवल इतना सा कहना चाहूँगा कि संस्कृत और जो ग्रुप बी में जो संस्कृत था और उसकी जो आंसर की है उससे संबंधित हम पूरी खबर को लेकर के उपस्थित रहेंगे, और हम उसके आंसर की जो उत्तरमाला आएगी उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।